बहुत हैवी टूथ पीसेस, जिसकी वजह से मैंने ये पूरा सूट खरीदा था। फोकस करो, ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, सब ले लो, क्योंकि क्या बकवास से बेस्ट है, क्योंकि मुझे कुछ नहीं बकवास लग रही है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल, दिस इज मन्नत एंड यू आर वॉचिंग मन्नत स्टाइल्स। तो आज का वीडियो होने वाला है क्लोथिंग हॉल, जो कि है ये 5 हैवी सूट पीसेस। इन्हें मैंने मंगलदास मार्केट से ख़रीदा है। मंगलदास मार्केट BT स्टेशन के यहाँ पर आता है, आप वहाँ से टैक्सी पकड़ सकते हैं एंड बाय वॉक भी जा सकते हैं, 5 to 10 मिनट्स का डिस्टेंस है वहाँ से। एंड इन सूट्स को मैंने लिया था अपनी शादी के टाइम पे, जिन्हें मैंने उस टाइम वेयर नहीं किया था, बट अभी बैक टू बैक फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सो आई थॉट दिस इज़ द राइट टाइम टू अपलोड दिस वीडियो। सो चलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारे सूट शेयर करती हूँ। तो सबसे फर्स्ट है ये येलो वाला सूट। वैसे मुझे येलो कुछ खास पसंद है नहीं, बट इस हॉल में आपको 2 येलो सूट दिखेंगे, एंड ये वाला येलो सूट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। इसे मैंने वेयर किया था अपनी हल्दी में बिकॉज ऑफ दिस वर्क। आप देखिए इसका वर्क कितना अच्छा है, कैमरा पे आपको उतना अच्छे से दिखेगा नहीं, बट ये सामने से बहुत ज़्यादा ही एकदम शाइनिंग एंड फुल वर्क, डायमंड वर्क वाला है। इसे जितने भी मैं आपको सारे सूट्स दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे मुझे सेमी स्टिच मिले थे, मैंने इनको बाद में स्टिच करवाया है। इसकी जो स्लीव्स है यहाँ पर भी वर्क किया हुआ है, सारे असली मिरर्स लगे हुए हैं, फेक चिपकाया हुआ नहीं है। एंड इससे मैंने 2 to 3 टाइम्स वेयर भी किया है, वॉश भी किया है, इनमें से कुछ भी नहीं निकला है, ना ही कपड़ा ख़राब हुआ है। आई मीन ऐसा नहीं कि मंगलदास मार्केट है तो चीप मार्केट रहेगा या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर आपको बहुत पॉश एकदम हैवी क्वालिटी वाले आपको ड्रेसेस वहाँ पे दिखेंगे। एंड ये वीडियो मैं शादी के इतने सालों के बाद भी इसलिए अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिसेंटली वहाँ पर गई हुई थी और मैंने देखा था कि ऐसे ही सिमिलर सूट्स या ऐसे ही कुछ ड्रेसेस वहाँ पे अवेलेबल अभी भी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो फिर से शेयर कर लेती हूँ, एक बार बना लेती हूँ इस वीडियो को। साथ ही है ये चुन्नी, चुन्नी में सिर्फ ऐसे नॉर्मल बॉर्डर वर्क है एंड बीच बीच में एक पैचेस है थ्रेड वर्क के, उसमें ही साथ में डायमंड भी लगा हुआ है, बाकी फुल प्लेन है, बट इसका विड्थ काफ़ी अच्छा है। मुझे इन सूट्स के साथ में जितना भी बॉटम फैब्रिक मिला हुआ था, उनका मैंने बॉटम ऐसे पैंट के जैसा सिलवाया है, एंड इन सारे सूट्स में आपको बॉटम सिर्फ पैंट्स ही दिखेंगे। इस पर एक इलास्टिक है एंड देन ये फ्रंट से ऐसा प्लेन, क्योंकि उस टाइम पे पैंट्स का बहुत ज़्यादा ही ट्रेंड चल रहा था, अब भी है ट्रेंड, बट मुझे उस टाइम चाहिए था कि मैं सबके साथ पैंट ही पहनूं। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इन सूट्स के साथ में आपको जो फैब्रिक मिल रहा है, आप इनसे पैंट ना सिलवाए, या तो आप लेगिंग्स ले ले अलग से, या तो आप कॉटन कपड़े का या जो सॉफ्ट मटेरियल रहता है आप उनका लेगिंग्स या बॉटम पैंट सिलवाए। मैंने जो इस कपड़े से सिलवाए हैं ये स्ट्रेचेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, आप वॉक करेंगे तब ये कम्फर्टेबल है, बट आप जब बैठेंगे या जब मौसम थोड़ा गर्म रहेगा तो आपको ये बहुत चुभेगा अभी, एंड बैठने में भी काफ़ी अनकंफर्टेबल लगेगा, तो इस बात का आप ध्यान ज़रूर देना। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा आउटफिट। हमारा नेक्स्ट आउटफिट है वो भी येलो कलर में है, एंड इससे मैंने स्पेशली दुपट्टे के लिए था। एक्चुअल में मैंने अपनी हल्दी के लिए ये वाला आउटफिट परचेज किया था, देन थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे वो आउटफिट ज़्यादा पसंद आ गया जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, तो मैंने सोचा कि चलो अभी रिटर्न तो नहीं हो सकता तो मैं उसी को ही पहन लूँगी और इसे भी रख लेती हूँ। ये है उसका कुर्ता, और इसे मैंने कुछ इस पैटर्न में सिलवाया था। एक्चुअली मैंने जो पैटर्न फोटो मैंने दिया हुआ था टेलर को, उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, बट चलेगा, क्या कर सकते हैं अभी, क्योंकि उन्होंने क्या किया है ना, मुझे ये होल शोल्डर को ज़्यादा ही ब्रॉड चाहिए था, बड़ा चाहिए था, इन्होंने काफ़ी छोटा सा रखा है, आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। एंड कॉलर भी काफ़ी छोटा है इसका, मैंने बैग भी थोड़ा बड़ा कहा था, वो भी छोटा है। इसके भी स्लीव्स में आपको पैटर्न मिल जाएगा। ये पूरा कुर्ता बस एक प्लेन कुर्ता ही है, इसके बीच बीच में आपको ऐसा एक सिल्वर वर्क दिखेगा जो कि जरी वर्क है, इसे क्या कहते हैं, बट बहुत अच्छा दिख रहा है और काफ़ी सोबर लुक आ रहा था इसका पहनने के बाद में। मैंने टेलर को वो वाला फ़ोटो दिया था जो मुझे इसके साथ में ही मिला था फ़ोटो, एंड वो मॉडल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत प्रिटी लग रही थी उसमें, एक तरफ से कुछ पाकिस्तानी सूट जैसा ही दिख रहा था। तो ये ऑल ओवर कुर्ता सिर्फ इसी तरह का ही है, पूरा प्लेन। तो बात करते हैं दुपट्टे की, जिसकी वजह से मैंने ये पूरा सूट खरीदा था। दुपट्टा है ये,
फुल रंग बिरंगी फ्लोरल दुपट्टा है और इसका बॉर्डर वही है जैसे कुर्ते का बॉर्डर है, बट ये दुपट्टा काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। काफी ज्यादा फोकस करो एंड इसमें जो मुझे बॉटम का फैब्रिक मिला था वो मुझे कॉटन मिला था, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। बिल्कुल भी ऐसा चुभ नहीं रहा था, बिल्कुल भी ऐसा अनकंफर्टेबल फील नहीं आ रही थी मुझे इसमें। बैठने में भी कंफर्टेबल है, वॉक करने में भी कंफर्टेबल है एंड एनी सीजन में पहनो तो भी कंफर्टेबल है। सेम पैंट है जैसा मैंने पहले वाली वीडियो में आपको दिखाया था, सेम। एंड हाँ, वन मोर थिंग कि इसके साथ आपको इनर्स भी मिलेंगे। इनर्स मुझे बॉटम फैब्रिक तो उसके साथ मिला ही था, बट इसके साथ ही साथ मुझे इनर फैब्रिक भी मिला था जो कि कुर्ते में यूज होता है। एंड मैंने वही फैब्रिक मैंने स्टिचिंग में यूज़ कर दिया था। एंड मुझे टेलर ने भी इस बात पे सजेस्ट नहीं किया था कि आप ये फैब्रिक यूज़ मत कीजिए, वो इसलिए उसका रीज़न है क्योंकि ये फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा रफ है एंड मुझे नहीं पता कि इस फैब्रिक को क्या बोलते हैं। बट आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये वाला फैब्रिक मत यूज़ कीजिए, आप अपना अलग से फैब्रिक लेकर आई है जो काफ़ी सॉफ्ट रहेगा, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि कुर्ते तो ऑलरेडी हैवी है और थोड़े तो रफ है ही, बट पहनने में आपको अनकम्फर्टेबल सी फील नहीं आएगी। मैंने इनके अंदर जो कपड़ा डलवाया है वो समर्स के लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है वेयर करना, बट ठंडी में भी थोड़ा बहुत तो चुभेगा ही चुभेगा क्योंकि मुझे चुभता है। एंड इसलिए मैंने ये सारे आउटफिट सिर्फ एक ही बार वेयर किया, उसके बाद मैंने इनको हाथ भी नहीं लगाया है। और अब डांट भी खाती हूँ मेरी मम्मी की। सो चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ। सो नेक्स्ट आउटफिट है मेरा ये आउटफिट जो कि है ऑरेंज, और ये भी मेरा पहला ऑरेंज आउटफिट था जो मैंने परचेस किया था। एंड इसे भी मैंने दुपट्टे की वजह से ही परचेस किया था क्योंकि अंकल ने जब मुझे दुपट्टा ओपन करके दिखाया था तो मुझे उसका दुपट्टा ही बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। बट ड्रेस भी काफ़ी अच्छी थी, ये कॉटन ड्रेस है फुल। इसलिए उस वाले ड्रेस में टेलर ने काफ़ी छोटा कोल्ड शोल्डर किया था, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि मुझे छोटा नहीं मुझे बड़ा चाहिए था, तो उन्होंने ये वाला कुर्ता एकदम परफेक्ट मुझे सिल के दिया था। सी और इनका कोल्ड शोल्डर देखिए, ये वेयर करने के बाद भी काफ़ी सुंदर लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा एकदम डिसेंट लुक आ रहा था इससे। इसके बीच में ना जो इतने सारे पैचेस लगे हुए हैं ना, इनमें गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है। ये वाला ड्रेस को मैंने बहुत बार वेयर किया है एंड ये कभी भी वॉश के बाद ख़राब नहीं हुआ है। सारे भी जो मैंने सूट्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे बहुत अच्छी क्वालिटीज़ के हैं। ऐसा नहीं कि आप एक दो बार वॉश करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सारे के सारे अच्छी क्वालिटीज़ के हैं, ना ही इनका गोटा पट्टी निकला है, ना ही किसी का फैब्रिक का कलर ख़राब हुआ है एंड ना ही किसी का वर्क ख़राब हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है ड्रेसेस में, मैं इसलिए ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये पूरा कुर्ता ऐसे प्लेन है एंड देन नीचे है इसका ये बॉर्डर, ब्रॉड बॉर्डर है एंड कुर्ता भी काफ़ी लंबा है। मुझे नी से नीचे तक ही लेंथ चाहिए थी सारे कुर्तों में कुर्ते में, क्योंकि मैंने पैंट सिलवा रखे थे इसलिए। एंड इसका पैंट भी कॉटन पैंट है जो कि यही कलर का है, और वो मुझे अब मिल नहीं रहा कि मैंने कहाँ रख दिया है, तो मैं इसके साथ अभी ब्लू लेगिंग्स ही वेयर करती हूँ। रहा उसका दुपट्टा, तो उसके पूरे दुपट्टे में ऐसे पर्ल का वर्क किया हुआ है एंड बीच बीच में गोटा पट्टी के पैचेस लगे हुए हैं। असली मिरर तो नहीं है बट जो भी है अच्छा ही है। तो ये पूरा जो दुपट्टा है ना ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, आप मेरी वीडियो में देख लेना इसे, क्योंकि कैमरा में तो अच्छे से फोकस नहीं हो रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस पे। तो नेक्स्ट ड्रेस है ये फुल वर्क वाला, जरी वर्क वाला कुर्ता है और इससे मैंने अभी तक एक बार भी वेयर नहीं किया है, एक बार भी नहीं, बस ट्रायल में जो आप देख रहे हैं मैंने बस उसे तभी ही वेयर किया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि इस बार शायद मैं तीज में इसे निकालूँ। ये कैमरा में बिल्कुल नहीं दिख रहा है बट ये सामने से बहुत ज़्यादा ही चमक रहा है, बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो, मैं कभी ऐसे चमकी चीज़ें या फुल वर्क वाली चीज़ें कभी लेती नहीं हूँ, बट इस टाइम मैंने शादी के टाइम पे पता नहीं क्यों से ले लिया। क्योंकि मंगलदास मार्केट में ना आप जब भी एंटर करोगे ना तो आपको ऐसी ड्रेसेस की लाइन से कलेक्शन दिखेगी ना कि आपकी नज़र ही नहीं हटेगी, आप चाहोगे ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, सब ले लो। तो इस ड्रेस में फुल जरी वर्क किया हुआ है एंड बीच बीच में इसमें डायमंड्स लगे हुए हैं गोल्ड कलर के। मैंने सोचा था कि ये कुर्ता सनलाइट की वजह से कुछ ज़्यादा ही अच्छा दिखेगा कैमरा में, बट बिल्कुल भी उल्टा हो गया। ये तो मेरे आंखों के सामने तो इतना ज़्यादा चमक रहा है बट कैमरा में एकदम वाइट, फुल वाइट
बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कि वर्क है क्या। और आप लोग, मुझे पता है कि आप देखते सोचते होंगे कि क्या बकवास से ड्रेस है, क्योंकि मुझे खुद में ही बकवास लग रही है ऐसे। इसके साथ भी मुझे रेड कलर का फैब्रिक मिला था जिसका मैंने पैंट सिलवाए थे, और वो पैंट भी मुझे अभी नहीं मिल रहा है, कहाँ मैंने रख दिया है। तो इसके साथ मैं रेड कलर की लेगिंग्स वेयर करती हूँ। एंड इसका जो दुपट्टा है वो मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं आया, बट ठीक है, मुझे ड्रेस पसंद आई थी इसलिए मैंने पूरी ड्रेस ले ली थी। इसमें ऐसा लेस लगी हुई है दुपट्टे में, इसमें पूरे दुपट्टे में ऐसी लेस लगी हुई है, एंड पूरे दुपट्टे में बस ये वाले पैचेस हैं। दो कलर का है, दो कलर के शेड्स है इसमें, क्रीम एंड रेड। नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो ये है हमारा लास्ट ड्रेस इस हॉल का, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इसे भी मैंने दुपट्टे की वजह से ही लिया था, क्योंकि इसका दुपट्टा बनारसी दुपट्टे जैसा है। पूरे कुर्ते में ऐसे जरी वर्क के पैचेस लगे हुए हैं, एंड ये बहुत ही ज़्यादा चमकते हैं। ड्रेस अभी भी बहुत चमक रहे हैं, बट कैमरा में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट एकदम कुर्ते पर ही आ रही है। एंड मैंने ये स्पेशली वीडियो सनलाइट में बनाई है, क्योंकि मुझे पता था कि सारे कुर्ते सनलाइट में शाइन करेंगे, बट कैमरा में बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। तो इस पूरे कुर्ते में बस आपको ऐसे जरी के वर्क के पैटर्न हैं, पैचेस लगे हुए हैं, एंड बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है ये कुर्ता। इस मैंने ये अपनी शादी के बाद जो पहली रक्षाबंधन आई थी, मैंने उसे तब वेयर किया था, एंड मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे इस ड्रेस में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही थी बिकॉज ऑफ द दुपट्टा। तो ये है इसका दुपट्टा, ये बहुत ही प्रिटी दुपट्टा है, एकदम फुल बनारसी टाइप का है, बनारसी साड़ी रहती है वैसा ही इसका दुपट्टा है। एंड नीचे से इसमें ऐसे टैसल्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ये। जब तो इसके साथ भी मुझे ये पिंक कलर का फैब्रिक मिला था जिसकी मैंने पैंट सिलवा दी है, एज यूजुअल जिसे सबकी है। बॉटम फैब्रिक और इनर फैब्रिक इन सारे सूट्स के सेम ही फैब्रिक्स है, इसलिए मैं आपसे वही कह रही हूँ कि ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल है नहीं। आप ठंडियों में इन्हें वेयर कर सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा बहुत आपको चुभेगा ही, बट समर्स में आप बिल्कुल भी इसे वेयर नहीं कर पाएंगे, दो मिनट के लिए भी नहीं वेयर कर पाएंगे आप इन्हें। मैं इसलिए आपसे कह रही हूँ कि आप अलग से फैब्रिक ले लेना, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा खर्चा कर लेना, बट अलग से ही करवाना, ताकि आप इसे बार बार वेयर कर पाए, मेरी तरह नहीं कि एक बार बैठ के बस इसे रख दिया। एंड इस सारे सूट्स का जो प्राइस रेंज है वो मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि ये 800 से स्टार्ट है एंड अप टू 1300 तक है। एंड जो 1300 वाला है वो यही कुर्ता था, एक ये है एंड एक ये दो कुर्ते आई थिंक 1300 में थे, एंड बाकी जो थे वो 800 से लेके 1300 के मिड रेंज में ही है। मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, बट मुझे इतना अच्छे से याद है, हो सकता है कि इससे कम प्राइसिंग में भी आपको वहाँ पे बहुत अच्छे सूट्स मिल जाएंगे, बट फिलहाल मैं अभी जब वहाँ पे गई थी तो मैंने कुछ वहाँ से परचेस किया नहीं था, बट मैं विंडो शॉपिंग ही कर रही थी वहाँ पर जाकर, तो बस यही देखने के लिए थी कि वहाँ पे ये सूट्स अभी अवेलेबल है कि नहीं है, वरना मेरा वीडियो बनाना किसी काम का नहीं रहेगा। आपको वहाँ पे सूट, ड्रेसेस, चूड़ा, बैग, सैंडल्स एंड काफ़ी हाई एंड लग्जरियस फैब्रिक्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का रेप्लिका ड्रेस बनाना है तो उसका फैब्रिक आपको वहाँ पे श्योरली मिल जाएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को मैंने देखा है कि वो अगर कुछ रेप्लिका ऐसे बनाना चाहते हैं तो वो मंगलदास मार्केट से ही परचेस करते हैं, एंड मैंने खुद भी वहाँ पर देखा था, बट उनकी प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही हाई रहती है, लाइक 800-900 पर मीटर रहता है वहाँ पे। मैं भी सोचा था कि मैं वहाँ से फैब्रिक लेकर ड्रेस स्टिच करवाऊंगी, बट वो मुझे कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहा था, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग दैट फैब्रिक मैंने एक ड्रेस पीस ही पूरा ले लिया, जिसमें मुझे इनर, बॉटम वेयर, कुर्ता, दुपट्टा सभी मिल गया, तो मेरे लिए ठीक था, ऐसे मैंने ले लिया। अगर आपको फैब्रिक पसंद आ रहे तो आप फैब्रिक लेके भी फेस्टिव सीजन के लिए कुर्ता सिलवा सकते हैं। अगर आपकी वेडिंग आने वाली है, आप वेडिंग के लिए शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो आप वो मार्केट एक बार ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। एंड दैट्स इट, ये था मेरा मंगलदास मार्केट का क्लोथिंग हॉल। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी रहेगी एंड आपको कुछ हेल्पफुल रही रहेगी मेरी वीडियो। तो टिल देन के लिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।